गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो इंडक्टेंस ऑफ एन आयरन एंड एयर कोर्ड कॉयल के ऊपर है। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये जानेंगे कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और किस तरह से कनेक्शन करेंगे, कैसे हम लोग इसके फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है, और भी इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आ गया, ये सब भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके ऊपर थ्योरी मैंने पहले बना ही चुका है आप लोग के लिए, ठीक है, क्लास में भी लैब में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपके पास तो है ही, लेकिन कैसे एक्चुअल में कैसे कनेक्शन करेंगे ये चीज़ आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ये काफ़ी प्रैक्टिस से ही आता है, तो इसीलिए हम वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि जिससे आपको ये बार बार आप जितना प्रैक्टिकल को देखेंगे उसको, तो उस हिसाब से आप अच्छे से इसको कनेक्शन समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो इंडक्टेंस ऑफ एन आयरन एंड एयर कोर्ड कॉयल। तो सबसे जो एम है ये हमने बता ही दिया कि सिंगल फेस हमारा सप्लाई है, उसमें हमें क्या करना है कि इंडक्टर है हमारे पास, ठीक, उसका हमको क्या करना है, इंडक्टेंस निकालना है उसमें, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका एम हो गया है। ठीक, अब जो मेन जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो है इंडक्टर के। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये एक इंडक्टर है, ठीक है, लैब में आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, तो फिर से हम इसको दिखा रहे, अच्छी तरीके से दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, देखिए इसमें दो टर्मिनल भी हैं। ठीक है, अब इस इंडक्टर के बारे में बता दें कि बेसिकली इंडक्टर हमारा एन नंबर ऑफ टर्न्स उसमें होते हैं, ठीक है ना, उसमें कॉपर की कॉयल होती है, उसकी कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है और कुछ नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टर्मिनल में वोल्टेज देते हैं, दूसरे से लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है ना। अब इंडक्शन आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो वो दो तरीके से है, एक सेल्फ होता है, एक म्यूचुअल होता है। सेल्फ का मतलब कि उसमें सिर्फ एक कॉइल का यूज़ हुआ है। अगर आप सामने दिए इंडक्टर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक कॉइल है, ठीक है ना, ये देखिए एक कॉइल का बना हुआ है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसके दो आपके यहाँ पर एंड देखिए, ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है ना। अब ये इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारा क्या होगा कि अगर ये एक हमारे पास कॉयल अगर है तो इसके अगल बगल भी एक कॉयल इसके अलावा और होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक सब कॉयल में सप्लाई करते हैं तो उसके वजह से इसमें दूसरे कॉयल में भी क्या होता है, एनर्जाइज हो जाएगा दूसरा कॉयल भी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, हम लोग एन नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा घटा के हम लोग उसको आउटपुट वोल्टेज घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का यूज़ होता है, ठीक। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर में सिंगल कॉयल का यूज़ होता है, ठीक। और कहाँ यूज़ होता है इस एक्सपेरिमेंट सिंगल कॉयल का, यहाँ पर देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें भी एक सिंगल कॉयल अंदर है। यहाँ से अगर साइड से अगर देखेंगे तो हल्का सा आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना, वाटरमेलन शेप का होता है, ये टाइप का होता है, इसमें इसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो इसमें भी सिंगल कॉयल का यूज़ होता है, इसमें भी देखिए दो टर्मिनल है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंडक्टर के बारे में बता दें कि इसमें क्या होता है कि एयर कोर और आयरन कोर के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, तो वैसे बेसिकली एयर कोर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोर, कोर का मतलब जो हॉलो होता है कॉयल के अंदर, बीच का पार्ट होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होता है, उसके बीच में सिर्फ एयर होती है, ठीक है ना, कॉयल के बीच में। अब उसका इंडक्टेंस तो निकालना ही है, साथ में अब हम लोग को ये भी देखना है कि अगर हम लोग आयरन कोर कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो देखिए एक मेटल का ये इसके कोर में गया हुआ अंदर, तो ये पूरी तरह से आयरन का नहीं बना हुआ है, ये हाई ग्रेड स्टील का बना होता है या हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील कई, ठीक। तो इस मटेरियल का ये कोर, इसका क्या होता है, हम लोग इसके कोर के अंदर हम लोग ये मेटल बना के डालते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा, भाई आयरन कोर की बात हुई है तो स्टील में भी कंपोजिशन ऑफ आयरन तो रहता ही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हम लोग
इसके रेजिस्टेंस अगर हम लोग कोर में डालते हैं तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा करंट पे। तो इससे हम लोग को इसकी अलग अलग वैल्यू निकलती है, आयरन पे अलग निकलेगी, एयर पे अलग निकलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। तो यही आज इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को करना है, हम लोग को ये पता लगाना है कि आयरन की इंडक्टेंस कितनी होगी और एयर की कितनी होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, ठीक ठीक। तो जैसे कि L का इंडक्टेंस को हम लोग किस तरह से हम लोग L से डिनोट करते हैं, तो इसका L इज इक्वल टू XL अपॉन 2πf से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के, ठीक। अब ये जो फार्मूला है ये आपके आयरन और एयर दोनों के लिए सेम होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर साइड में हम लोग ज़रा से इसको देखें तो देखिए आपको कुछ यहाँ पर गैपिंग दिख रही है, ये दो मेटल पार्ट हैं, ठीक। एक तो फिक्स्ड है नीचे से, ऊपर से देखिए मूवेबल है, वैरी करेगा ये, ठीक। और ये वैरी कैसे करेगा, ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, हैंडल को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये मेटल का मटेरियल है, ठीक है, सिलिकन स्टील का जो ये कोर के अंदर जो जा रहा है मटेरियल, वो अंदर जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो क्या होगा, हम लोग इसको रिलीज करेंगे, ये ऊपर आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक करके हम लोग क्या आयरन और एयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे, ठीक। तो इंडक्टर के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक। ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए कुछ रेंज लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे, 0 से लेकर 260 टन है, ठीक। उसके आगे भी देखिए कुछ यहाँ पर लाइंस हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 240 आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना, 240 लिखा है, उसके बाद 260 है, ठीक। 20 का डिफरेंस अगर आगे वाली एंडर लाइन होगी 280 होगा, तो इसकी रेंज कहाँ से हो गई, 0 to 280 तक हो गई वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा रेंज हो गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें भी सिंगल कॉयल का यूज़ होता है। अगर हम डायग्राम की बात करें, देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिए, एक स्काई लाइन करके लिखा हुआ कंपनी का, उसके नीचे देखिए डायग्राम बना हुआ है, एक तरफ टैपिंग लगी हुई है इसकी, ठीक है। यहाँ पर स्लाइडर होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से आउटपुट हमको वोल्टेज मिलेगी। तो ये सेम डायग्राम आपको क्या बना, आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी सिंबल बनाना रहता है। अगर आप जैसे प्रैक्टिकल के वक्त भी आप कुछ हिंट ले सकते हैं, कुछ आपको क्लू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इधर उधर देखेंगे तो कई सारी क्लू मिल सकती है, ठीक। तो दिमाग दौड़ाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल नहीं पता, देखिए यहाँ पर बना हुआ है सिंबल, ठीक है ना, इसमें रेंज लिखी हुई है। तो ये सब आपको अगर नहीं पता तो आपके सामने दिख रहा है, तो इसको भी आप इस तरह से देख के आप लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने बता दी, इसमें दो टर्मिनल, एक फेज और न्यूट्रल होगा, इंडिकेटर भी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी सप्लाई हमने यहाँ स्विच बोर्ड से कर दिया है, यहाँ MCB भी लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ बता दें कि ऑपरेटर जो यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं के नाम और उनके टाइप्स और रेंज क्या है, ये सब भी बता देते हैं। तो जो हमारा पहला है, जैसे कि यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की है, तो इस कितना क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी यूज़ होगा ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका रेंज 0 से लेकर 280 वोल्ट का होगा, ठीक है। हमने इसका अभी सिंबल भी देखिए यहाँ बना हुआ है, ठीक। और किस टाइप का होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल टाइप का होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर यहाँ पर सोर्स क्या यूज़ हो रहा है, AC सप्लाई हो रहा है, AC में हम लोग किस टाइप का यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, MI टाइप का, हमने जानने के लिए पहचान के लिए बता दिया कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर देखिए लाइंस भी हैं, तो स्केल यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन भी बना हुआ है वेव फॉर्म का, ठीक है ना। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये MI टाइप का मूविंग आयरन, ठीक है ना, क्योंकि AC और DC दोनों में काम करता है। अगर मूविंग कॉयल होता है वो सिर्फ DC पे काम करेगा, ठीक। फिर इसमें भी यहाँ पर दो या टर्मिनल हैं, इसके अंदर पोटेंशियल कॉयल का यूज हुआ, जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें कम होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस का, ठीक। तो इसको पैरेलल में हम लोगों को कनेक्ट करना रहता है सर्किट के। अब नेक्स्ट है हमारा एमीटर। अब देखिए अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है सबका एमीटर क्या है, छोटे एमीटर थे, ठीक, साइज, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा सा एमीटर, इसमें टर्मिनल 3 है, ठीक। इसमें स्केल 2 दी हुई है, देखिए 0 से लेकर
यहाँ से देखेंगे 20 भी लिखी हुई है, नीचे वाले में 0 से लेकर 10 भी लिखी है। अब ये किस तरह से हमको यहाँ पर कनेक्ट करना, किस तरह से दो स्केल का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक पहले टर्मिनल में कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है, इस टर्मिनल में देखिए 20 लिखा है और इसमें 10 लिखा ही है, ठीक है ना। कॉमन इसलिए लिखा है क्योंकि एम आई टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एमीटर यहाँ भी एम आई टाइप का, देखिए यहाँ पर स्केल नॉन यूनिफॉर्म है और यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसमें यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी भी हुई हैं, ठीक। चलिए तो एक बार हम लोग को, अब ये क्या है, इनपुट है, ये दोनों आउटपुट है, ठीक। अब इनपुट की बात करते हैं, इसमें हम लोग एसी डीसी दोनों यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसलिए कॉमन दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर 20 पे लगाएंगे एक बार या फिर हम लोग 10 लगाएंगे एक बार, दोनों साथ में नहीं आउटपुट लगेगा, आउटपुट सिर्फ एक निकलेगा, इनपुट हम लोग एक देंगे, ठीक है ना। कब यूज़ करते हैं हम बता देंगे, ठीक। अब क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी एमीटर की, एक ही होगी, लेकिन इस ये एक क्वांटिटी दो बार तरीके से एमीटर को यूज़ करें, एक बार 10 रेंज के लिए, एक बार 20 एम्पीयर रेंज के लिए यूज़ होगी, ठीक है ना। तो अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1 होगी, लेकिन रेंज आपको लिखना पड़ेगा दो अलग अलग, ठीक। उसके बाद इसमें करंट कॉयल का यूज़ होता है, ठीक, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको सीरीज़ में लगाते हैं, किसके साथ, लोड के साथ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इंडक्टर, इंडक्टर जो यहाँ पर रखा हुआ है उसका टाइप क्या है, इंडक्टिव टाइप का इंडक्टर होता है, ठीक। इसकी रेंज नहीं लिखी हुई क्योंकि यहाँ पर कस्टमाइज्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये बनवाया गया है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग को नहीं पता है, इंडक्टेंस हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इंडक्टेंस हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, इंडक्टेंस हम लोग निकाल लेंगे तो उसकी रेंज पता हो जाए भाई कितनी रेंज का यहाँ पर इंडक्टर यहाँ पर है, ठीक। क्वांटिटी कितनी यूज़ हो रही है, यहाँ पर क्वांटिटी 1 हो रही है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। और यहाँ पर देखिए वायर की यूज़ हुआ, अलग अलग कलर के वायर हैं, पीवीसी इंसुलेटेड वायर हैं, ठीक है ना, जिससे मैं इसमें आग ना लगे, ठीक है ना। अलग अलग मैं इसमें अलग अलग साइज़ की वायर रखी हुई है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं इसके, ठीक है ना। तो ये सब हो गए, इसमें क्वांटिटी क्या है, एज़ पर रिक्वायर्ड जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग कनेक्ट करें, हाउ टू कनेक्ट दीज वायर्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा दिया है इसका, ठीक, बोर्ड में। अभी हमने ऑन नहीं की, स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसका जो नॉब है, देखिए एंटी क्लॉक पूरी तरह से 0 हमने की यहाँ पर, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरो लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एरो कहाँ पर है, 0 पे है, इसको देख कर ही आपको कनेक्शन करना है। पहले टर्मिनल में हमने एक वायर इसमें लगा दिया, ठीक। फिर इसका दूसरा वायर कहाँ यूज लगाएंगे हम लोग, वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल, देखिए इसमें कलर भी है रेड, इसका मतलब ये फेज के लिए है, तो हमने पहले दे दिया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वायर जो है वो हम इसका कहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक। ये न्यूट्रल पॉइंट पे हमने लगा दिया और ये दूसरा वायर हम लोग वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में लगा दिए, देखिए ये पैरेलल हो गया सर्किट, ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर वोल्टेज बताने के लिए रेडी है, लेकिन एम मीटर को अभी हमने नहीं लगाया है। एम मीटर भी हम लोग कैसे लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, वोल्ट मीटर के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। तो एम मीटर हम लोग जरूरी नहीं कि वोल्ट मीटर के से, क्योंकि एम मीटर को चाहिए इनपुट, इनपुट कहाँ से मिल रहा है, वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल से भी मिल रहा है या ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले। अब देखिए बगल में अगर वोल्ट मीटर रखा हुआ है तो हम लोग उसी का यूज़ कर, इससे क्या होता है कि बगल में अगर इनपुट आ रहा है तो वहाँ से लेने से आपका जो वायर है वो भी बचत होगी, उसमें मटेरियल जो लग रहा है वो छोटे मटेरियल में ही, कम मटेरियल में ही काम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए उसमें रेजिस्टेंस भी आपकी खड़े, पावर लॉस भी कम होगा, ठीक। अब ये देखिए मैंने बगल में लगा दिया, इनपुट दे दिया, अब हमको आउटपुट लेना है, ठीक। ये हमने आउटपुट, अब देखिए हम लोग सबसे पहले 10 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए हमने 10 रेंज का, 10 एम्पियर रेंज का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये कहाँ जाएगा, किसी भी एक टर्मिनल पे, जैसे कि आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्मिनल मैंने दे दिया है, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इसको पहले टर्मिनल में दे दिया है, ठीक। अब जो हमारे पास टर्मिनल बचा है वो कौन सा बचा है, ये। अब देखिए एक बात और, अब जो ये टर्मिनल है ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। अगर हम इसमें कनेक्ट करते तो एक बार और ध्यान में रखना है कि जो ये न्यूट्रल पॉइंट है उसको हमको न्यूट्रल पॉइंट से ही जोड़ना है। वो कहाँ जुड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट, वोल्ट मीटर किसके। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती लोग करते हैं कि यहाँ तार देखिए छोटा है, तो जहाँ ज़्यादा
लंबे वायर की जरूरत, वहाँ लंबा वायर यूज़ करना चाहिए, जहाँ छोटे वायर का यूज़ है तो वहाँ छोटे यूज़। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में देना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारे पास लंबा वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अभी लंबा वायर जो है वो यहाँ यूज़ होगा, ठीक, और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया छोटा वायर को, छोटे वायर को हमने जोड़ दिया है 10 में। देखिए यहाँ पर भी नीचे होल है तो इसमें वायर लगाने के लिए बना हुआ है ऑप्शन, ठीक, हमने इसको लगा दिया, ठीक, वायर हमारा निकलेगा नहीं, टाइटली यहाँ पर क्लोज्ड है। अब देखिए ये जो वायर न्यूट्रल वाला आ रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है, वोल्ट मीटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट में इसको ले जाएंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने तो नॉब ख़राब हो जाएगा, खोलने में दिक्कत होगी, ठीक, और इतना लूज़ भी नहीं करना है कि वायर हमारा निकल जाए, तो हमारा वायर जो वायर है वो ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा वायर हम लोग हटा देते हैं। तो ये ऐसे दिख रहा है कुछ, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कनेक्शन कैसे थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, हॉच पॉच टाइप का, लेकिन जब आप पूरी तरह से धीरे धीरे कनेक्शन करते करते एक एपरेटस को जोड़ते हुए करेंगे तो आप आराम से लास्ट में देखेंगे पूरी तरह से कनेक्शन हो गया। अब देखिए हम बता दें कि जब 10 रेंज पे हम लोग ने आउटपुट लिया है तो यहाँ पर 10 रेंज वाला जो स्केल है उसको हम लोग को ध्यान से देखना है, उसी पे ही रीडिंग जो भी आएगी वो हमको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो नीडल हमारा है ये दोनों के अक्रॉस पे रहेगा, ठीक है ना। वो ये नीडल जो है 20 स्केल पे भी आधा रहेगा और इस पे भी नीचे दिखाई देगा, तो हम लोग 20 वाले पे नहीं लेना है, जिस रेंज पे हम लोग ने लगाया है यहाँ पर आउटपुट में उसी रेंज का ही रीडिंग लेना है, ये बहुत ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है ना। और ये 10 वाला हम लोग लिए हैं तो किस इंडक्टर में आयरन और एयर कोर है, तो किस कोर के लिए हम लोग लिए हैं, हम लोग यहाँ लिए हैं आयरन कोर के लिए, ठीक है ना। तो कम रेंज वाला जो हम लोग लिए हैं वो आयरन के लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए हम नॉब यहाँ पर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉक, ठीक है ना। यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। मटेरियल अंदर धीरे धीरे कोर पे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा कि मटेरियल धीरे धीरे अंदर जा रहा है, ठीक है ना। हमको एक हाथ से करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। तो आप दोनों हाथ का यूज़ करेंगे जिससे कि ये जल्दी हो जाएगा, ठीक। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर आयरन कोर हो गया, ठीक है ना। तो आयरन कोर हम लोग रेंज इसलिए कम रखें क्योंकि हमने बताया है कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। जब हम लोग मटेरियल डालेंगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा फ्लक्स में, अब इस क्या बनेगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक रेजिस्टेंस जो कि फ्लक्स का विरोध करेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब कि रुकावट, और रुकावट सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, ठीक है ना। तो करंट हमारा क्या होगा, कम होगा, तो करंट जब कम हो जाएगी तो रेंज हम लोग को कम रखनी पड़ेगी क्योंकि रीडिंग जो है वो 20 रेंज से भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग रीडिंग आराम से ले पाएँ इसीलिए हम लोग रेंज इसकी कम रखें कि हम आराम से हम लोग को दिख जाएगा, ठीक है ना। 10 के ऊपर ये जाएगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग 10 की रेंज हम लोग रखे हैं, ठीक। अब 20 कब लेंगे अभी बता रहे हैं, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक, हमने कर दिया स्टार्ट, ठीक। पावर शायद नहीं आ रही है, अच्छा मेन स्विच ऑफ हो गया, ये भी ध्यान देखिए सेफ्टी की बात है कि मेन स्विच ऑफ है तो हमको मेन स्विच ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेन स्विच ऑन हो चुका है, हमने इसको अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में लाइट आ गई ना, अब हम धीरे से इसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिए। अभी ऑटो ट्रांसफार्मर की वैल्यू 0 पे सेट है, वोल्ट मीटर देखिए हम लोग का 0 है। धीरे धीरे ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे और हम लोग को देखना क्या है, वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। घुमाएंगे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर लेकिन देखना हम लोग को वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। और हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर देखिए 100 ले लिया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को क्या करना है, तीन प्रोसेस में करना है, तीन स्टेप में करना है। पहला 100 वोल्टेज, दूसरा 150 और तीसरा 200 पे करना रहेगा, ठीक है ना। अलग अलग इंडक्टेंस हम लोग को निकालनी है आयरन के लिए भी एयर के लिए भी, ठीक है ना। तो सबकी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो 100 वोल्टेज हमने दे दिया, करंट भी कुछ देखिए यहाँ पर फ्लो कर रहा है करंट यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से
हमको देखना है 10 वाले स्केल पे, नीचे वाला स्केल है। देखिए ध्यान से दिख नहीं रहा है, मोबाइल से हो सकता है, लेकिन जब ध्यान से आप लोग को देखेंगे तो अगर आप लोग दिमाग लगाएं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, तो थोड़ा सा इसमें रीडिंग हट चुकी है, मिट गई है। 10 का दुगना होता है 20, डबल, और 20 का देखिए हाफ है 10। इसका मतलब अगर हम लोग देखें कि नीचे रीडिंग नहीं दिख रहा है, तो इस समय हम लोग की ऊपर वाली रीडिंग 4 की है, ठीक है ना। अगर 4 का हम लोग आधा करते तो यहाँ 2 आना चाहिए, इसका मतलब इस समय हम लोग की जो वैल्यू आ रही है 10 वाले स्केल पे 2 आ रही है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है एग्ज़ाम में करना है। और देखिए ये जो टर्मिनल हैं ये मेटल के हैं, तो इसको ध्यान में रखिए कि टच नहीं करिएगा ऑन करते समय, ठीक ना। बस आपको रीडिंग देखना है, नोट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे वोल्टेज, ठीक। वोल्टेज क्या करें, हम लोग ने 150 कर दिया, देखिए ठीक 150 पे हम लोग का कितना आ रहा, बढ़ गया, ठीक। उसी तरह से इसका आधा कर लेंगे, जितना भी रीडिंग आ रही है ऊपर देख के नीचे, ठीक है ना। अगर नीचे वाली रीडिंग आपको दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नोट कर लेंगे, ठीक। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, 200 वोल्टेज कर दिए, ठीक है ना। तो 200 वोल्टेज पे हमारा देखिए कुछ 8 के आसपास आने लगा, और इंडक्टर से कुछ आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से चारों तरफ से। हमने एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ लोगों को दिखाया भी था कि अगर कंपास नीडल आप इसके पास ले जाते हैं, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो कंपास आपका क्या करेगा, किसी एक डायरेक्शन में आकर बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट जैसे कोई कराता तो नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है कि, क्योंकि हम लोग की आंखों से दिखता नहीं, इमेजिनरी रहती है, लेकिन कंपास पे आपको दिखेगी, ठीक है ना। अब तीन स्टेप पे तो हम लोग के हो चुके हैं आयरन पे, अब एयर के लिए करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नॉब घुमा के 0 पे करके, और यहाँ पर हमने सेफ्टी के लिए स्विच ऑफ कर दिया। अब हम लोग को करना क्या है कि 10 से हटा के हम लोग क्या करेंगे, 20 स्केल पे करेंगे, ठीक है ना। ये 20 है, 20 के स्केल में हमने यहाँ पर वायर लगा दिया, ठीक। ये देखिए हमने लगा दी अच्छे से वायर। अब हम लोग को 20 वाले स्केल की रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाकी यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है, और इसको हटाना भी नहीं, क्योंकि ये इसको हम लोग को कनेक्टेड रखना है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, ठीक। इसमें हाई करंट फ्लो करती है, अभी मैंने दिखाया 8 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, तो हाई करंट फ्लो होती है इसमें, ठीक है ना, इसके कॉइल्स में। तो हाई करंट की जब डिमांड होगी तो इन्हीं टर्मिनल से आई जाएगी, ठीक ना। इससे इसमें क्या होता है, ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर हीट पैदा होती है, ठीक है ना। तो हीट लॉस से हमारा क्या होता है, पावर लॉस भी होता है, ठीक है ना। अगर कॉपर की यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर दी गई है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन जो यहाँ पर जो स्क्रू दिए हुए हैं वो आयरन के हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, तो हीट इसमें से जनरेट करेगी, ठीक। तो इस टर्मिनल को हाथ नहीं लगाना है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्लॉकवाइज, देखिए हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज से, इसका क्या होगा, मटेरियल जो आयरन कोर है वो धीरे धीरे एयर होना चालू हो जाएगा, और बीच में गैपिंग आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए धीरे धीरे ये क्या गैपिंग बढ़ रही है, पूरी तरह से इसको जहाँ तक ये एयर कोर हो सकता है, मटेरियल जितना ऊपर जा सकता है उसको करेंगे, ठीक। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इतनी गैपिंग यहाँ पर आ गई, इतनी गैपिंग जो एयर गैप अंदर बना हुआ है तो उतने का ही इंडक्टेंस निकलेगा। लेकिन अगर ये मटेरियल पूरी तरह से निकल जाता है और तो पूरी तरह से एयर कोर हो जाएगा, तो इसका जो इंडक्टेंस है और ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूरी तरह से क्या इसका इंडक्टेंस फिक्स है, नहीं, तो इसका इंडक्टेंस फिक्स नहीं है एयर वाले का, क्योंकि इसमें जो मटेरियल पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत आयरन कोर इसमें है। तो इस तरह से भी कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सप्लाई देनी है, ऑन करनी है, ठीक। अब इसमें ध्यान ये देना है, क्योंकि इस समय ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छी तरीके से फ्लो करेगा, और इसमें मटेरियल क्योंकि ये थोड़ा बहुत हट भी चुका है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा बढ़ जाएगा। तो करंट जब फ्लो बढ़ेगा तो एमीटर में इसकी रेंज दिखेगी आपको, ठीक, ये कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है।
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 100 वोल्टेज में सेट कर देंगे। ठीक, अब इससे हम लोग को देखना है कि करंट कितना, देखिए 20 स्केल पे देखेंगे कितना दिखा रहा है, 8 एम्पियर करंट, तो 8 एम्पियर करंट बहुत है, अभी 100 वोल्टेज हमने ही किया है। ठीक, फिर 150 धीरे धीरे करेंगे, देखिए आवाज़ भी आने लगी है तेज़ी से, ये देखिए कितना बढ़ गया, 12 के आसपास आ गया ना, तो ये अभी बहुत इंक्रीज़ और करेगा, तो बहुत जल्दी से इसकी रीडिंग नोट करके आपको ज़ीरो करना है ऑटो ट्रांसफार्मर को। ये देखिए 200 तक जा रहा है, ठीक, देखिए स्पार्क भी हल्का सा हुआ था, खैर ढीला होगा इसका, ठीक, वायर जो है कनेक्शन ढीला हल्का सा होगा। ठीक, अब ये देखिए कितना पहुंच चुका है, 16 के तरफ पहुँच, तो 16 एम्पियर बहुत होता है। ठीक, इसमें आपका क्या है, स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है वो गल सकते हैं, तो हम ज़्यादा देर तक इसको ऑन नहीं करेंगे, इसमें आवाज़ें बोल रही, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। तो अब रीडिंग जब आपकी नोट हो गई, तुरंत आपको ये नोट करके बंद कर देना है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ से ऑफ कर देना है, ठीक, स्विच हमने ऑफ कर दिया, ये हमने हटा दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप देखने समझ में आ गया किस तरह से इसको परफॉर्म करना है, ठीक, और किस तरह से प्रिकॉशन, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यह हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, हल्का हल्का इस वाले टर्मिनल में धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको अभी हाथ में नहीं लगाना है कि वायर इसको निकाल दें, आप इसको छोड़ दें, वायर देखिए हल्का गर्म भी हो चुका है ना, तो इसीलिए आपको टर्मिनल को नहीं छूना इंडक्टर के बिल्कुल भी। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक, अगर कुछ कमियां होंगी तो उसको भी दूर कर दिया जाएगा बाद में। ठीक, तो चलिए फिर ये आज का टॉपिक पूरा हो गया है, एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे भी हम और एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं उसके भी वीडियो हम आपको डाल देंगे, और वो उस पर भी आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, फिर थैंक यू।